सो है गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने वीवो के किसी भी फोन में MIUI 12 का जो कंट्रोल पैनल है, नोटिफिकेशन पैनल है, वो कैसे जो इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही आसानी से अपने वीवो के किसी भी फोन में। चाहे आपका फोन किसी भी वर्जन पे रन क्यों ना करो, बहुत ही आसानी से आप अपने फोन में जो इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों की जो कमेंट्स आती है कि भाई हम इंस्टॉल तो कर लेते हैं और वर्क भी बहुत अच्छे से करता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ऑटोमेटिकली जो क्लोज हो जाता है, रिसेंट एप्लीकेशन से हटाने के बाद हट जाता है। तो देखो गाइस, जब गलत वाइज ट्राई करते हो या फिर देखो वीडियो को फुल वॉच नहीं करते, क्योंकि कुछ सेटिंग्स वहां पर रहती है जो कि आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यार आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा गाइस। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको सारा कुछ जो है अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ आपको कैसे जो है सारा सेटअप करना है। ठीक है, और जब आप सारा सेटअप कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारा कुछ मैं अच्छे से समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो उसके लिए आपको लेके चलता हूँ मैं अपने फोन की स्क्रीन पे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो फटाफट से हम जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक फाइल का जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप उसको फाइल को जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करोगे तो गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइज, आपको इजीली इस फाइल्स को जो है ओपन करना है। और यहाँ पे देखिए आपको स्टार्ट प्रीमियम टाइप का जो कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको एक बार जो बैक बटन दबा देना। ठीक है, जैसे आप बैक बटन दबाओगे देखिए कंट्रोल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा। फिर यहाँ पे और ट्राई लिमिटेड वर्जन पे आप कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बैक होकर एट की टाइप नहीं हटता तो आप सेकंड टाइम ट्राई जो करो तो और ट्राई लिमिटेड वर्जन पे कीजिएगा। ठीक है गाइज, एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह देखने को मिल जाएगा, क्लोज कीजिएगा। एंड यहाँ पे परमिशन आपसे मांग ली जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो परमिशन देनी रहेगी, तो फर्स्ट हम जो सिम की परमिशन देंगे एंड सेकंड एक्सेसिबिलिटी की परमिशन हम दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है MI कंट्रोल सेंटर हम इसको इनेबल करेंगे, और सिट ऑन नहीं हुआ ये, इसको ऑन कर देंगे। एंड गाइज बैक हो जाएंगे। थर्ड जो है वो मैं नोटिफिकेशन की जो परमिशन है वो देनी रहेगी, तो ठीक है हम इसको भी यहाँ से कर देंगे गाइस। ठीक है, हमने जो परमिशन दे दी और परमिशन हमारी जो है कम्प्लीट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस गाइस हमें देखने को मिलेगा, हम इसको ओके करेंगे। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, हम सारी चीज ओके करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे हमें जो कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन पैनल जो है, यानी कि शॉर्टकट पैनल और नोटिफिकेशन पैनल दोनों ही इंस्टॉल हो जाएंगे हमारे फोन में। चलिए चेक करते हैं कि आया या नहीं। तो देखो गाइज यहाँ पे इस तरीके से जो है अगर हम निकालते हैं, जैसे कि हमारे Xiaomi के फोन में निकल के आता है सेम आएगा, और देखिए ब्राइटनेस वगैरह सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल भी होंगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंट्रोल नहीं होंगे। देखो यहाँ से हमने कम करेंगे, यहाँ से बस इसको अलाउ करना है। ठीक है गाइज, फर्स्ट हम इसको परमिशन देंगे, और हमने देखो यहाँ पे परमिशन दे दिए गाइज। ठीक है, और अब जो है हम बैक करेंगे, और चलिए चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ब्राइटनेस है वो लो या कम ज्यादा होती है नहीं। देखो ये अगर यहाँ पे अच्छे से वर्क करने लगी। ठीक है गाइज, और अभी हम सेकंड फिर से हम डाटा को चेक करते हैं, 4G वाला जो डाटा शो हो रहा है ये अच्छे से वर्क करता है या नहीं। देखो हमने इसको ऑफ किया और देखो हमारा डाटा जो है ऑफ हो गया, ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। फ्लैश को हम चेक कर लेते हैं, फ्लैश चेक हो रही है, तो देखो इस फ्लैश भी हमारी जल चुकी है, यानी कि सारी चीज़ जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रही है। और अब जो नोटिफिकेशन को चेक करते हैं, नोटिफिकेशन पैनल ये तो हमारा शॉर्टकट सेंटर हो गया जो कि राइट साइड से निकलेगा, और नोटिफिकेशन पैनल हमारा लेफ्ट साइड से निकलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस कुछ इस तरीके का आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रन करेगा। अभी हम बात करते हैं कि क्या ये हमारा रिसेंट से हटा के जो क्लोज हो जाएगा, तो बिल्कुल क्लोज नहीं होगा। चलिए हम लोग रिसेंट एप्लीकेशन से इसको हटा देंगे। ठीक है, ये है हमारा सिस्टम, हमने इसको हटा दिया गाइस। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या ये हट गया। तो ये बिल्कुल नहीं हटेगा, काफी अच्छे से वर्क करेगा। चलिए देखते हैं, तो देखो यहाँ वर्क कर रहा है और यहाँ से भी वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से जो है आप अपने किसी भी फोन में जो MIUI 12 का जो कंट्रोल पैनल है वो वीवो के किसी भी डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे आपका फोन किसी भी जो है वर्जन पर रन क्यों ना कर रहा हो। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को जो हमारी वीडियो है वो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।